कि इस पल से मेरे मुंह से जो निकले यीशु वो तेरा वचन वो दृढ़ों के मरणों का वंश यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो निश्चित तौर पर खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तो अगर मैं और आप भजन 34 को देखते हैं तो बड़ा सुंदर भजन है, और मैं और आप जब इसको पढ़ते हैं तो मुझे और आपको ऐसा अनुभव होता है कि राजा दाऊद बड़े आनंद में है, बड़ी खुशियों में है, बड़ी बरकतों में है। तभी तो वो क्या कह रहा है, वो पहली आयत में कह रहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं तो मैं और आप परमेश्वर को धन्यवादी भेंटे कब देते हैं, मैं और आप परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का गुणानुवाद, परमेश्वर की महिमा कब करते हैं, जब मैं और आप खुशियों में होते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने रोजगार लगा दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने चंगाइयां दे दी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने ये दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने ये दिया, और मैं और आप निरंतर आनंद में परमेश्वर का शुक्र करते हैं। मैं तो लिटरली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जब परेशानी में और दुख में खुदा का धन्यवाद है। मैं और आप प्रार्थनाएं जरूर दुख में परमेश्वर से करते हैं कि प्रभु तू मेरी परेशानी को दूर कर, लेकिन धन्यवाद देने के लिए मैं और आप निरंतर खुशी के अवसर, चंगाइयों के अवसर, सरफराजी और फलवंतता के अवसर ढूंढते हैं। मैं तो राजा दाऊद के अगर मैं और आप भजन 34 को देखें तो अगर आप इसे पूरा पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली ऐसा रहेगा कि राजा दाऊद बड़े आनंद में है, बड़ी खुशियों में, बड़ी सरफराजी में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो राजा शाऊल ने राजा दाऊद के पीछे अपनी सेना लगा रखी है और पूरी पूरी सेना जो है राजा दाऊद का पीछा कर रही है, पर राजा दाऊद इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। मैं तो अपने परिवार से दूर है, अपने पिता से दूर है, अपने भाइयों से दूर होगा, अपने प्रियजनों से दूर होगा, अपने दोस्तों से दूर होगा, अकेले में दाढ़ी पड़ी हुई है, खाने के लाले, बहुत परेशानियों में, बड़ी दिक्कतों में, बड़ी निराशाओं में। मैं तो भागते 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 वो अभिमलेक के सामने पेश किया गया। मैं तो वो भागते भागते अकान के पास पहुंचा, वहां किसी ने कहा यह राजा दाऊद है। वो लोग उसको अभिमलेक के सामने लेकर गए, उसने कहा क्या ये राजा दाऊद है? फिर राजा दाऊद ने सोचा रही मुझे पहचान लेगा, तो इसलिए खुदा इकरा में लिखा है कि उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी तो वो थूक डालकर दाढ़ी के ऊपर पागलों का सा व्यवहार करने लगा, जिससे कि कोई उसे पहचानने लगे कि न ले कि ये राजा दाऊद है। और अभी मिले इतने जो है उन लोगों से कहा रही ये क्या, ये दाऊद है जिसके लिए लिखा है कि शाऊल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को, ये दाऊद नहीं हो सकता, इसको बाहर कर, इसको निकालो मेरे सामने से। मैं तो उसके सामने से वो निकल कर एक गुफा में बैठ गया। उस गुफा में बैठकर मैं तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हालेलुया। मैं तो बड़ा मुश्किल है इतनी विषम परिस्थितियों में, मैं तो आज जरा सा शहर का जिलाधिकारी, मैं तो आज जरा सा कोई अधिकारी अगर मेरे आपके रोजगार के पीछे, मेरी आपकी परेशानियों के पीछे अगर कोई मेरे और आपके जीवन के पीछे लग जाता है तो कितनी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, कितनी निराशाएं बढ़ जाती हैं, मैं और आप बड़ी पीड़ाओं में पड़ जाते हैं और मैं और आप चिंतित तो धारा हताश और निराश होते हैं। मैं तो भागते 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 राजा दाऊद जो है गुफा में बैठ गया है। ये स्टोरी हमने शायद पढ़ी भी होगी। राजा शाऊल के सैनिक जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो भाला लेकर उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तलवारें लेकर उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो जाकर एक गुफा में बैठ जाता है। खुदा के वचन में लिखा है, सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि राजा दाऊद गुफा में बैठा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है और उस गुफा के सामने से क्या आवाज आ रही है, ढूंढो। सिपाही ऐसे ढूंढते हैं कि ढूंढो कहां है ये, निकलने न जाए। राजा शाऊल का आदेश है, ऐसी सब कोशिश कर रहे होंगे। जब पुलिस वाले भी कहीं ढूंढते हैं, कोई आदमी कमरे के अंदर बैठा, बाहर से आवाजें आ रही है, पुलिस वाले चिल्ला रहे हैं, पकड़ो कहां है, देखो ढूंढो कहां है, देखो। ये तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। मैं तो अचानक से खुदा के कलाम लिखा है कि एक मकड़ी आई
उस मकड़ी ने क्या किया, उस गुफा के दरवाजे पर छाला बना दिया, और जैसे ही सिपाही उसके अंदर घुसने वाला था तभी क्या हुआ है? किसी को याद है ये स्टोरी? किसी को याद है ये स्टोरी? जैसे ही सिपाही घुसने वाला था उसके अंदर, वैसे क्या हुआ, मकड़ी ने जब जाला बना दिया तो अचानक से गुफा के अंदर सिपाही घुस रहा था, पीछे से आवाज आई, दूसरे सिपाही ने उसे कहा, अरे अंदर कहां जा रहा है, तू देखता नहीं है कि इसके ऊपर जाला लगा हुआ है? जब इसके ऊपर जाला लगा हुआ है तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई भी नहीं होगा। हालेलुया। डेफिनेटली इसके अंदर कोई भी नहीं होगा। और मेरे जी दो, ये उसके जीवन के लिए बड़ा आनंद का पल है, बड़े खुशियों का पल है, बड़े बरकतों का पल है। मैं इसको निश्चित तौर पर जान लेना, राजा दाऊद ने इतनी वर्षम परिस्थिति में भी, जहां पर उसके पास खाना नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, उसके पास कपड़ा नहीं है, उसके पास दोस्त नहीं है, उसके पास यार नहीं है, अकेली परेशानियों में, अकेली पीड़ाओं में, अकेले संकटों में भूखे पेट रहकर वो बड़ी सुंदर बात कहता है। और वहां पर बैठकर उसने भजन 34 लिखा, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 10वीं आयत में, वो कह रहा है जवान सिंहों को तो हड्डी हो जाएगी और वो भूखे भी रह जाएंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। मैं तो क्या मुझ में और आप में ये हिसाब है कि जब मैं और आप परेशानियों में हूं, पीड़ाओं में हूं, दिक्कतों में हूं, निराशाओं में हूं, असफलताओं में हूं, बीमारियों में पड़े हूं, शत्रु ने मुझे आपको चारों तरफ से घेर रखा हो, मुझे आपको लग रहा हो कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरा छुड़ाने वाला कौन है, अब मेरी मदद करने वाला कौन है? क्या मैंने और आपने अपनी जिंदगी के अंदर इतने अप एंड डाउन अनुभव किए हैं जो राजा दाऊद ने किए? कहां पर एक पल उसकी जिंदगी इतनी बरकतों में थी, मास जंगल में भेड़ बकरियां चराए करता था, दूसरे पल अचानक से शैमुएल पहुंचा और उसका अभिषेक करके चला गया, तीसरे पल अचानक से गोलियत ने क्या किया, लाइफ के अप एंड डाउन देखे, अचानक से गोलियत जो है इसराइलियों को ललकारने लगा, वो जंगल में खाना युद्ध के मैदान में अपने भाइयों को खाना देने गया, उसने कहा अरे ये कौन है, ये कौन खतना रही मनुष्य है जो मेरे जीवते परमेश्वर को ललकारता है? उसने कहा मैं लड़ूंगा, निकल है तू तो बच्चा है, तू किसे लड़ेगा? उसके जीवन की अप एंड डाउन देखे, वो उसे शाहुल के पास ले जाया गया, उसने कहा मैं लड़ूंगा, मैं जाता हूं ना, मैं लड़ूंगा। खुदा के वचन में लिखा है परमेश्वर की आत्मा वो अनुभव करने वाला पिता था, मैं तो परमेश्वर ने उसको चुन लिया, उसे सामर्थ दी, और खुदाई का नाम लिखा उसे गोलियत को मार दिया। अब गोलियत को मारने के बाद फिर क्या हुआ, उसकी वापाई होने लगी और क्या कहने लगा है लोग बताइए, लोग कहने लगे कि शाऊल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। मैं तो आपको बाप भाई है, चारों तरफ खुशियां खुशियां की, इतना पावरफुल आदमी हो गया राजा दाऊद की, राजा शाऊल उसको अपना दामाद बनाने लगा, सारी की सारी लोग सारी सारी प्रजा कहती होगी अरे वाह ये है राजा दाऊद भाई वाह। अचानक से शैतान राजा शाऊल में समा गया और वो राजा दाऊद का बैरी बन गया। बैरी बनने के बाद वो उसके प्राण लेने के लिए पीछे पड़ गया। अब जितनी वाहवाही थी, जितनी खुशियां थी, सब कुछ जो है वो पलट गई। अब जो है उसे घर भी छोड़ना पड़ गया, भाई भी छोड़ने पड़ गए सब। आप उसके जीवन के अप एंड डाउनों को अनुभव करें। मेरी तो लेकिन उसके बाद खाली पेट है, जंगलों में कहां कौन उसको खाना दे रहा होगा, गुफाओं में कौन उसको खाना दे रहा होगा, बड़ी निराशा की जिंदगी में है, बड़े अकेलेपन में भाग रहा है अपने सारे सुख पर मौज। वो अगर वो चाहता तो परमेश्वर को ब्लेम कर सकता था, परमेश्वर मैंने कहा था क्या तू मेरे को ऐसा इस्तेमाल कर, परमेश्वर मैंने कहा था कि मुझे राजा बनना है, ये तो तेरी इच्छा थी, लेकिन अब तो मुझे जंगल मिली है क्यों फिर रहा है? कहीं कोई 1% भी उसके जीवन में कहीं भी परमेश्वर को ब्लेम करने वाली बातें नहीं है। वो अपने हर एक हालात को अनुभव कर रहा है,
वो अपने हर एक हालात में अपने परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। मैं तो कई बार में और आप जब निराशाओं में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, पीड़ाओं में होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, अकेलेपन में होते हैं, जब मेरे आपके अपने परेशानियों में होते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे आपका हियाव टूट जाता है, मेरी आपकी हिम्मत टूट जाती है और मैं और आप अपनी परिस्थितियों को कोसने लगते हैं। प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु तुमने कहां ले आया। लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना, राजा दाऊद बड़ी सुंदर बात कहते हैं और वो कहते हैं कि जवान सिंहों को तो घटी हो जाएगी। हालेलुया। जवान सिंह का मतलब समझ रहे हैं, सिंह, जवान सिंह बड़ी ताकत का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है। राजा है जंगल का, उसको कमी हो जाएगी अच्छी वस्तु की, समझ ले, और वो भूखा भी रह जाएगा। पॉसिबल है जवान सिंह कभी भूखा रह जाए, वो जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, वैसे जो है उसे मारकर उसे खा सकता है। वो कह रहा है कि जवान सिंहों को घटी हो जाएगी, चाहे कोई कितना पैसे वाला हो, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हो, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना पावरफुल हो, उसको बेसिक नीड की आवश्यकता हो जाएगी, बाकी सब चीजें तो छोड़ ही दो, उसे बेसिक नीड की आवश्यकता हो जाएगी। लेकिन यहोवा की जो खोज करेंगे, प्रेज़वान, यहोवा की जो खोज करेंगे, उन्हें 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 किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बुरी बुरी छोड़ दो, छोटी बेसिक आवश्यकताएं छोड़ दो, खाना कपड़ा मकान छोड़ दो। वो कह रहा है कि उसे किसी 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 भली वस्तु की घटी ना होगी। खुदावन अपने लोग के साथ चलने वाला परमेश्वर है, खुदावन मेरी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला पिता है। खुदावन के कलाम में बड़ी सुंदर बात लिखी है, वो कहता है यहोवा की आंखें यहोवा के धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मैं इस बात को निरंतर याद रखना, मेरा आपका परमेश्वर न कभी सोने वाला और न कभी ऊंघने वाला परमेश्वर है। उसके कान मेरी आपकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, उसकी आंखें मेरी आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर लगी रहती है। बस इस बात पर विश्वास करना, खुदावंद ने एक बड़ा हिराब मुझे आपको दिया है कि दूध पिलाती माता तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें त्याग देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। खुदावंद मेरे और आपका रहबर मददगार रक्षक है। खुदावंद ने मुझे आपको हिराब दिया भजन 121 में कि ना तो दिन को धूप से न रात को छांदनी से तेरी को छानी होगी। खुदावंद ने मुझे आपको हिराब दिया है भजन 91 में कि वही है जो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। खुदावंद ने मुझे आपको ताकत दी है भजन 103 में कि वही है जो तेरे सब रोगों को छंगा करता और तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। इसलिए खुदावंद पर ईमान रखना, अपनी हर एक कमजोरी में, अपनी हर एक बीमारी, हर एक परेशानी में, हर एक दुख में, हर एक पीड़ा में, हर एक निराशा में, तो आप कहीं नहीं ताकना। राजा दाऊद राजा शाऊल के सामने सॉरी बोलने नहीं गया है, किसी और राजा के पास मदद मांगने नहीं गया है कि मुझे बचाओ। राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी के जो भी हालात हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उसमें सिर्फ अपने परमेश्वर की ओर ने आ रहा है और उसी की ओर तारा है, ताका है और उसी के लिए गवाही दी है। बड़े 34 में लिखा है जितनों ने उसकी ओर प्रस्ती की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हालेलुया। उनका मुंह कभी काला न होने पाया। मैं तो खुदावंद के नाम लिखा है, मैं लिखा है कि यहोवा बुराई करने वालों की विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा दे। मैं तो मेरे आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये समझने वाली, मैं तो इस बात को जीवन में याद रखना। खुदा उनके कलाम में लिखा है यहोवा बुराई करने वालों की विमुख रहता है। मैं तो जब मैं और आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, जब मैं और आप दूसरे के लिए बुरी युक्तियां प्लान करते हैं, जब मैं और आप किसी दूसरे का नुकसान करने की योजनाएं बनाते हैं, निश्चित तौर पर जान लेना परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी सामर्थ, उसकी दया, उसकी करुणा और उसका प्रेम मेरे और आपके जीवन से चला जाता है।
उसका अभिषेक मेरे और आपके जीवन से चला जाता है। और खुदा ही कलाम में लिखा है, वहां लिखा है कि वो उसके नाम को, बताइए, वो उसके नाम को पृथ्वी पर से मिटा देता है, मिटा, जड़ों से मिटा देता है। समझ रहे? मैं तो जब मैं और आप खुदावन के लोगों के विमुख खड़े होते हैं, जब मैं और आप खुदावन के लोगों के विरोध में खड़े होते हैं, जब मैं और आप खुदावन के लोगों के लिए बुरी युक्तियां और बुरी योजनाएं तैयार करते हैं, निश्चित तौर पर जान लेना परमेश्वर उनका नाम पृथ्वी पर से हटा देता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, जब यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा। मैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, राजा शाऊल ने ये घोर अपराध किया है, राजा शाऊल ने ये घोर अपराध किया है कि परमेश्वर के चुने हुए राजा दाऊद के ऊपर उसने प्राण घातक हमला किया और उसके प्राणों की हानि करने की योजना बनाई है। मैं तो राजा दाऊद की जिंदगी का बड़ा अच्छा अनुभव है, राजा दाऊद को अपॉर्चुनिटी मिली है, राजा शाऊल सो रहा है, लेकिन सोने के बाद भी राजा दाऊद ने उसको मारा नहीं है, सिर्फ उसका एक अंगरखे का छोर का कपड़ा काट कर अपनी तलवार से ले गया है और दूर से उसे दिखा रहा, देख यहोवा परमेश्वर ने तेरे प्राण मेरे हाथों में कर दिए थे, लेकिन मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया कि परमेश्वर ने मुझे हयात दिया है कि मेरे चुने हुओं पर, मेरे अभिषिक्तों पर की हानि नहीं करना। लेकिन राजा शाऊल जो है लगातार राजा दाऊद की बुराई करने के लिए लगा हुआ है, उसकी हानि करने के लिए लगा हुआ है। तब खुदावन के कलाम में लिखा है, वहां लिखा है, अगर मैं और आप देखें, राजा शाऊल का एक भी वंशज बचा नहीं है। हालेलुया। मैं तो भले योनातन, परमेश्वर से प्रेम करता था, योनातन से मैं तो परमेश्वर प्रेम करता था और दाऊद भी प्रेम करता था योनातन से। मैं तो दाऊद ने बड़ी भलाइयां करने की कोशिश करी है, उसने कोशिश करी कि योनातन को बचा ले, उसने कोशिश करी कि शायद शाऊल के खानदान में कोई एक बचा हो तो उसकी वो टेक केयर करे, बचा भी एक छोटा बेटा बचा, उसकी देखभाल करी। लेकिन खुदावन के जीवते वचन में, खुदावन के इस पाक कलाम में से शाऊल के वंश खत्म कर दिए गए। शाऊल की कोई वंशावली परमेश्वर के वचन में नहीं है। इस बात को जीवन में याद रखना कि जब मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए हुए विरोध में काम करते हैं, निश्चित तौर में परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है कि मैं बुराई करने वालों के विमुख रहता हूं, मैं बुराई करने वालों के विमुख रहता हूं। जो भी नकारात्मक काम करेगा, जो भी परमेश्वर की आत्मा को दुखित करेगा, जो भी बुराइयों के कामों में लगा रहेगा, जो भी परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होने से रोकेगा, जो भी खुदावन की महिमा को बढ़ने से रोकेगा, परमेश्वर उनके विमुख रहता है। और निश्चित तौर पर जान लेना परमेश्वर का आत्मा उनका स्मरण भी पृथ्वी से मिटा देता है। हालेलुया। उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता, निश्चित तौर पर जान लेना। खुदावन खानदान के खानदान खत्म करने वाला परमेश्वर है, खुदावन की आने वाली पीढ़ियों को भी बख्शता नहीं है। तीन पीढ़ी तक श्राप चलते हैं, कुछ के कुछ के सात पीढ़ी तक श्राप चलते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना खुदावन बड़ी सुंदर बात मेरे और आपके जीवन के लिए कहता है। वो कहता है, लेकिन मैं जितने मेरी दोहाई देते हैं मैं उनकी सुनता हूं, प्रेज द लॉर्ड, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ा लेता हूं। हालेलुया। यीशु के लिए दो ताली बजाएं, निश्चित तौर पर जान लेना मेरा आपका यीशु मेरी आपकी हर एक दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं तो जब मैं और आप अपनी बीमारियों में, अपनी परेशानियों में, अपनी भीड़ाओं में, अपनी निराशाओं में और अपनी कमजोरियों में अपने परमेश्वर को पुकारते और उसकी स्तुति लेते हैं, तब डेफिनेटली खुदावन मेरी आपकी दुहाई को सुनता है। इसलिए खुदावन के वचन में लिखा है और वह लिखा है, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मिट न गए और उसकी करुणा प्रतिभोर हमारे जीवनों के लिए नहीं होती जाती है। हालेलुया। इसलिए खुदावन के वचन में लिखा है, परमेश्वर धर्मियों की दुहाई को सुनता है,
और उन्हें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। बड़ी सुंदर बात लिखी है 19वीं आयत में, वहां लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उनको सब से मुक्त करता है। मैं बात को जीवन में याद रखना, कई बार में और आप सोचते हैं कि परमेश्वर मैं बीमार क्यों पड़ती हूँ, परमेश्वर मैं बीमार क्यों पड़ता हूँ, परमेश्वर मैं क्यों दुखी रहता हूँ, परमेश्वर मेरी योजनाएं क्यों विफल होती हैं, खुदावन क्यों मैं विपत्तियों में पड़ जाता हूँ। मैं तो खुदावन से प्यार करता हूँ, मैं तो खुदावन से प्रेम करती हूँ, मैं तो परमेश्वर के साथ चलता हूँ, मैं तो परमेश्वर के वचन में चलता हूँ। मैं ये निश्चित तौर पर जान लेना खुदावन ने मेरी आपके शरीर को बनाया है और ये शरीर कमजोरियों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहोवा के डरवियों में विपत्तियां नहीं आएंगी। खुदावन ने अपने जितने वचन मेरे और आपके साथ बांधे हैं उसने क्या कहा, वही तो है जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसका मतलब रोग आएंगे, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि खुदा के लोग रोगी नहीं होंगे। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा। ऐसा नहीं है कि यीशु पर विश्वास करने वाले लोग इस संसार में मरेंगे नहीं, इस संसार में मरेंगे लेकिन आने वाले जीवन को डेफिनेटली पाएंगे। ऐसे खुदाई कलाम में लिखा है कि धर्मी जन अगर 7 से 70 बार भी गिरा दिया जाए तब भी उठ खड़ा होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है धर्मी जन गिरेगा नहीं, समझ रहे। ऐसे खुदावंत के कलाम लिखा है कि धर्मियों के ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, मुझे और आपको उन विपत्तियों के पड़ने पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। क्या राजा दाऊद के जीवन में विपत्तियां नहीं पड़ी, क्या अय्यूब की जिंदगी में बीमारियां नहीं आई। मैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि अय्यूब के दोस्त कहते हैं अरे तुमने कौन सा ऐसा पाप किया है, अपने पापों को मान ले, अपने अपराधों को मान ले कि परमेश्वर अपना अनुग्रह तेरे जीवन के ऊपर कर दे और मुझे फिर से झोंका क्यों कर दे। निश्चित तौर पर जान लेना मैं तो अय्यूब के जीवन में कौन सा उसने गुनाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। खुदा के कलाम में लिखा है जिसकी गवाही खुद परमेश्वर दे रहा हो। जब शैतान डोलता डालता परमेश्वर से मिलता है तो खुदा के वचन में लिखा है परमेश्वर से कहता है तू कहां से आता है, वो कहता है मैं पृथ्वी पर से डोलता और डालता आता हूं। वो कहते हैं क्या तुमने पृथ्वी पर मेरे दाल अय्यूब को देखा है, उसके जैसा खरा और उसके जैसा मेरा फे मानने वाला और सीधा पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। जिसकी गवाही खुद परमेश्वर दे रहा है कि वो खरा है, यहोवा का भय मानने वाला है और वो सीधा है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, वो बीमार भी हुआ और इतना बीमार हुआ कि कहीं ना कहीं अपने लिए मृत्यु मान रहा होगा। उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी उसका साथ छोड़ गई, उसके दोस्त उसके ऊपर क्लेम करने लगे, नौकर चाकर आ गए चले गए, भीड़ बकरियां लुट गई, उसके समान अमीर आदमी कोई आसपास नहीं था, सब कंगाल हो गया। क्या मेरे सिंधो उसकी को गलती थी, कोई उसने पाप किया क्या। लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंद के कलाम लिखा है कि धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती तो है लेकिन यहोवा उसे उस सभी विपत्तियों से बताइए मुक्त करता है। हालेलुया। मैं तो पढ़ने दे विपत्तियों को, आने दे बीमारियों को, आने दे दुखों को, आने दे निराशाओं को, आने दे मुसीबतों को। मेरा आपका परमेश्वर मुझे आपको हिम्मत देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है कि मैं और आप तमाम विपत्तियों से निकल पाए। हालेलुया। मैं तो मुझे और आपको खुदावन निश्चित तौर पर जान लेना दुख सहने से बाहर नहीं रहता है। मैं तो आज में और आप अपनी जिंदगी को देखें, अपनी बीमारियों को देखें, अपनी परेशानियों को देखें, अपनी पीड़ाओं को देखें और उन्हें देखने के बाद अपनी बरकतों को गिने कि खुदा ने मुझे आपको क्या क्या बरकत दी है। निश्चित तौर पर जान लेने बड़े सुंदर शेर का किसी शायर ने कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। मैं तो हर किसी को सब कुछ मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है।
खुदावंद मुझे और आपको निरंतर 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 आशीषों बरकतों से नवाजता है। परमेश्वर काम शुभ करे अच्छे पति के रूप में, अच्छी पत्नी के रूप में, अच्छे बच्चों के रूप में, अच्छे घर के रूप में, अच्छे सम्मान के रूप में, अच्छी जिंदगी के रूप में, अच्छे भाई बहन के रूप में। निश्चित तौर पर खुदावंद ने मुझे और आपको बहुत 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 कुछ दिया है, और उस बहुत कुछ के लिए अगर मैं और आप हर पल खुदावंद का शुक्र करें, हर पल खुदावंद का धन्यवाद दें, हर पल अगर मैं और आप कहें, तो निश्चित तौर पर जान लेना इतनी बरकतें मुझे और आपको दी गई हैं कि वो सब की सब कम ठहरेंगे। धन्यवाद भाई। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो उन बरकतों में नहीं है जो मेरे और आपके जीवन पर है। मैं जो इसलिए हर पल खुदावंद का धन्यवाद दें क्योंकि वो मेरी आपकी दुहाई को सुनता है, वो मेरे आपके सहने से बाहर दुख नहीं देता है। इसीलिए उसका एक नाम लिखा है, वह तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। मैं तो यहोवा टूटे मन वालों के साथ रहता है। मैं तो बस खुदावंद पर विश्वास करें। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना जब मैं और आप अपने हृदय में टूट जाते हैं, जब मैं और आप अपने हृदय में पसे हुए होते हैं, तब खुदावंद मेरे और आपके साथ खड़ा होता है। इसलिए राजा दाऊद भजन 103 उसकी पहली और दूसरी आयत में बड़ी सुंदर बात कहता है। वो कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। बस खुदावंद के उपकारों को याद करते चले, बस खुदावंद का शुक्र करते चले जीवन की हर एक परिस्थिति में, सब 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 परेशानियां हट दी जाएंगी। खुदा कलाम लिखा है, ये वही राजा दाऊद है जो भागता फिर रहा है, और वही राजा दाऊद इतना शक्तिशाली राजा बना, इतना वैभवशाली राजा बना। खुदा कलाम लिखा है, बाकी परमेश्वर कब कहां क्या किसके साथ कर दे कोई नहीं जानता। जब खुदा मेरी और आपकी ओर से लड़ता है ना, निश्चित तौर पर जान लेना, तो वो बैरी जो मेरे और आपके जीवन के खिलाफ योजनाएं प्रबल करते हैं, खुदा उन्होंने कैसे इस पृथ्वी से उठाकर फेंक देता है वो भी नहीं जानता। सुंदर बात, खुदा एक नाम लिखा है, दाऊद भजन 23 में कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी उतराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं राजा शाऊल जिस तलवार को लेकर, जिस तलवार को लेकर राजा दाऊद के पीछे भागते थे ना, किसी तलवार से तुझे मारूंगा, निश्चित तौर पर जान लेना अंत में वही तलवार ऐसी हालत पैदा हुई कि उनके पेट में उन्होंने रखी और सुसाइड कर ली। उसी तलवार से जो तलवार उन्होंने दाऊद के लिए उठाई थी, वही तलवार उनकी खुद की मृत्यु का सबब बनी। कोई और तलवार नहीं, राजा दाऊद की तलवार नहीं, किसी और सिपाही की तलवार नहीं। निश्चित तौर पर जब खुदावन मेरे और आपके साथ खड़ा होता है, तो वो लोग जो मेरे और आपके विरोध में खड़े होते हैं और मुझे और आपको परेशान, निराश और हताश करने की कोशिश करते हैं, या वो हालात मेरे और आपके जीवनों के बदल जाते हैं। जब खुदावन मेरी आपकी ओर से खड़ा हो जाता है, तब निश्चित तौर पर जमा सिंह भूखे और हाजिरमंद रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु कहीं न होगी। दुआ करें। आसमान जमीन के खालिक मालिक मनुष्य मालिक परमेश्वर, राजाओं के राजा जिंदा खुदा सब शक्तिमान, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरी आत्मा के लिए, खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, उन सुंदर जिंदगी के लिए खुदावंद जो आपने हमें दी है, उन बरकतों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, उन न्यामतों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और आपसे मांगता पिता विशेष तौर पर इस मंडली के लिए खुदावंद, हमारा विश्वास है बहन अंशिका के हस्बैंड को खुदावंद आप डेफिनेटली भाई अनिल को चंगा कर रहे हैं और आपने चंगा कर दिया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि बरकतें आ रही हैं, खुदावंद छलकाइयां आ रही हैं, सरफराजी आ रही है, बलवंतता आ रही है, तुमने खुदावंद रिलीज कर दी है, इसके लिए हम तेरा शुक्र